सो अभी हमारा बोर्डिंग पास तो हमने ले लिया, बट फ्लाइट है डिले। अभी रात हो गई है, थोड़ा सा फ्लाइट भी डिले थी। सो फाइनल लीविंग। अभी हमने ये अपनी छोटी सी दनो स्कूटी, यही वाली ना, हाँ ये रेंट की है यहाँ पे, यू नो स्कूटी पे घूमेंगे, मस्ती मारेंगे। फिलहाल यहाँ से 100 मीटर पे ही बीच है, कैंडोलिम बीच। तो पहले वहाँ चलेंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करते कहाँ जाना है। अच्छी अच्छी लोकेशंस तो पास में ही है। मैंने जो लोकेशन चूज़ करके रखी थी वो बहुत पास में सारी, तो इट्स गोना बी फन। बाकी सामने यहाँ से दिख रहा है मुझे बीच, तो पहले वहाँ चलते फिर मज़े मारते हैं। मोटो व्लॉग करता हुआ आपका जेस, और ये हम पहुंच चुके हैं सामने बीच है। यस आई कैन सी द बीच। सो रीच ये कैंडोलिम बीच पे। हमारे होटल से मुश्किल से 30 सेकेंड और 1 मिनट का रास्ता है स्कूटी पे। और ये सामने एज यू कैन सी बहुत ही तेज वेव्स हैं। मज़ा आने वाला है बहुत सेक्सी मजा आने वाला है। है ना? एक्साइटेड? यस मी टू। भाई मेरा तो देखो 3rd या 4th टाइम है ऐसे बीच पे, मैडम का 1st टाइम है, तो कैसा फील है? एक्साइटेड ना? मज़ा है ना? हाँ। अभी वेव थोड़ी सी तेज है तो अंदर जाने का हम कुछ यू नो वो नहीं करेंगे, क्या रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अभी अपन लोग चल रहे हैं किधर, फोर्ट अगुडा फोर्ट, जो कि हमारे होटल के बहुत पास में है। अभी ये सामने कैलंगुट बीच बहुत पास में, और अभी यहाँ से निकलेंगे जाएंगे अगुडा फोर्ट। और अगुडा फोर्ट में लास्ट टाइम भी गया था तो वहाँ पे एक नंबर पिक्चर आती है, एक नंबर, तो फॉलो करते रहो और सब्सक्राइब कर दो और इस ब्लॉग की सीरीज़ को बहुत सारा सपोर्ट करो। ये राइट में हमारा होटल, पीछे बीच और ये सामने रोड, क्या व्यू है। और यहाँ पे हेलमेट डालना ज़रूरी है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि पुलिस वालों को फालतू में खर्चा करो, क्योंकि बहुत खर्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। और उससे पहले हमें डलवाना फ्यूल, इसमें ये खाली करके देते हैं स्कूटियाँ, सच्ची में थोड़ा सा पेट्रोल रख दो, पेट्रोल पम्प तक तो चले जाएँ। बाकी आज सुबह सुबह बारिश हो गई थी, उसकी वजह से धूप नहीं है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। बट शाम को हमारे को सनसेट अच्छा नहीं देखेगा, बस ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, बट जो भी है फिलहाल तो वी आर एंजॉइंग इट। दिस इज़ अगुडा फोर्ट, यहाँ पे टिकट लगती है, टिकट के चार्जेस पता नहीं कितने, देखते हैं टिकट के चार्जेस। दो टिकट कॉस्ट फॉर 50 for 2, मतलब 25 रुपये की एक टिकट। और चलो मैडम, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही साहब, हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, या तो मैं कुछ ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ। शक्ल देख लो पहले अपनी। मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, तुम्हें गलत फहमी है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं, शक्ल मेरी बहुत अच्छी है।
और जरा कमेंट में बताओ मेरी शक्ल अच्छी है कि नहीं है, ठीक है? आप कमेंट में यही बताना कि शक्ल महागंदी है। आप तो सभी इसी की बात सुनोगे, मेरी बात कौन सुनेगा? बाकी वो पीछे ये लाइट हाउस है, बहुतों ने देखा होगा मूवीज़ में भी, बहुत सारी मूवीज़ में भी है लाइट हाउस ये वाला। दिस इज़ आगोडा फोर्ट एंड दिस इज़ द लाइट हाउस जो पहले कभी हुआ करता था, मतलब यूज़ हुआ करता था, अब यूज़ में नहीं है। सो यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचेंगे, पहले भी जब आया था तब हाँ वो वाली फ़ोटोज़ बहुत इम्प्रेसिव आई थी। उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पे। अभी हम ये कैंडलिम बीच के ऊपर है, वहाँ कहीं पे था जहाँ पे अभी हम नीचे थे ना, ये उसी का ऊपर का पार्ट है। चलो उस पॉइंट पे चलते हैं, अभी खाली है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि लोग हमें इतना क्यों खरीद रहे हैं। क्या मैं ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ? अरे जो भी निकल रहा है यार, जो भी निकल रहा है ना, वो ऐसे हमें घूर के देख रहा है, पता नहीं जैसे कि देखते हैं। फुल देखा आया ना कैसे देख रही थी वो घूर घूर के, मतलब उस आंटी ने तो इसको देखा, वैसे लोग मुझे भी देख रहे हैं। कोई देखेगा मुझे तो मैं दिखाऊंगा। बट कमेंट में बताओ कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ये देखो। हमारे थोड़े से प्लान में ना थोड़ा सा पानी सा फिर गया क्योंकि यहाँ आ चुकी है बारिश। बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींच रहे थे बट वापस जाना, वी हैव टू रन, हमारे डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाएंगे। लोग सूख गए हैं, हम अकेले भीग रहे हैं। सो वी हैव टू रश, देखते हैं कहाँ पे अंदर बैठते हैं। ये पीछे लाइट हाउस है बट प्लान ख़राब हो गया। अगर ऐसी सारे दिन बारिश आती रही तो प्लान ख़राब हो जाएगा हमारे, जो हमने प्रॉपर जो ना एग्जीक्यूट किया था, दिमाग में आइटनरी बना के रखी हुई थी, वो ख़राब हो जाएगी। अभी बहुत एक अच्छा सा सीन हुआ फोर्ट में। पीछे क्या हुआ, एक लड़की आई और उसने क्या बोला, उसने पूछा गुरप्रीत से कि आर यू फ्रॉम इंडिया, ये पूछा था ना, कहते आर यू फ्रॉम इंडिया, उसने बोला यस, कहते आई थॉट यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम विच प्लेस, मतलब उसको ऐसा लगा कि ये फॉरनर है। तो अब रीज़न समझ आया कि मैडम फॉरनर लग रही है सबको यहाँ पे, तो कोई नहीं, हम नहीं लग रहे तो यही लगे हम। तो बाकी वापस जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी रखते हैं। पहले यहाँ से जो नॉर्मल जो हाईवे बाहर उसको ज्वाइन करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे। बाकी बारिश ने थोड़ा सा सीन ख़राब कर दिया क्योंकि जिस प्लेस पे हमने जाना है वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा होता है और सनसेट के दूर दूर तक दिखने के कोई चांसेस नहीं है। बिल्कुल सही आ जाते हैं। अभी हम करने लगे क्या हमारा लंच, जो कि हो रहा है शाम को 5:30 बजे। इधर मैडम ऑर्डर कर रही है, देखते हैं इनकी चॉइस कैसी, क्या ऑर्डर करती है। और फिर यहाँ से प्लान था कुछ वैगटार बीच या फिर चपोरा फोर्ट जाने का, बट वो भी पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5:30 और वहाँ पे हमें पहुँचना था 5 बजे तक ताकि हम सनसेट इन्जॉय कर सकें। एक तो लेट भी हो गया, ऊपर से सन भी नहीं है यहाँ पे। तो बोलो जरा, सो दैट वाज आवर डे। सोचा तो बहुत जगह था जाने का बट अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए क्योंकि
बहुत बारिश और ऊपर से अंधेरा हो गया था। जहाँ जाना था वहाँ सनसेट का ही मज़ा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे हैं बहुत सारे दिन, तो वहाँ पे भी आपको लेके जाएंगे। बाकी ये वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अभी 7 बज रहे हैं, कहीं और जाने का प्लान है, बट ये वाला व्लॉग हो चुका लंबा, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन बाय बाय।